please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चट्टा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत की जगह और तारीख तय होने के बाद पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही थी। हर किसी को ये उम्मीद हो गई थी कि इस बातचीत से परमाणु जंग का एक बड़ा खतरा जरूर टल जाएगा, लेकिन उत्तर कोरिया के किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है, जिससे अमन की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किम ने बरसों तक परमाणु बम से दुनिया को डराया, लेकिन 2018 शुरू होते ही बदल गए उनके तेवर। दक्षिण कोरिया जाकर किम ने राष्ट्रपति मून जे इन से की मुलाकात। 12 जून को सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप से होनी है मुलाकात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के बीच मुलाकात में अब एक महीने से कम वक्त बचा है। इस मुलाकात से दुनिया अमन चैन की काफी उम्मीद कर रही है। अब तक किम के नरम रुख को देखते हुए बातचीत के दौरान बड़ा समझौता होने की उम्मीद भी बढ़ गई है, लेकिन इन उम्मीदों को अब अचानक एक बड़ा झटका लगा है। किम और ट्रंप को जो कुछ दिन पहले तक एक दूसरे के खिलाफ बेहद संभल संभल कर बयान दे रहे थे, अचानक उनके तेवर बदल गए हैं। अब दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। किम और ट्रंप के बदले हुए तेवर को देखते हुए दोनों के बीच होने वाली बातचीत के खटाई में पड़ने का खतरा बढ़ गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि दोनों ही अपने कदम पीछे खींचना नहीं चाहते, जिससे दुनिया पर एक बार फिर से किम के परमाणु बमों का खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप और किम के बीच तलखी की शुरुआत दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं का शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दक्षिण कोरिया में इन दिनों अमेरिका के करीब 30,000 सैनिक दक्षिण कोरिया की सेना के साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। 14 मई से शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास ने किम को बुरी तरह से नाराज कर दिया है। किम की नाराजगी का पहला असर उस वक्त सामने आया जब उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ तय हो चुका बातचीत रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसलिए नाराज है कि ये युद्ध अभ्यास जो है बाकी जितने भी अभ्यास हैं उनसे काफी अलग है। इसमें पहली बार जो हवाई जहाज हिस्सा ले रहे हैं वो तो एक स्टेल्थ फाइटर्स हैं, F-22 रैप्टर। नॉर्थ कोरिया के पास किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना। दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत रद्द करने का ऐलान करते हुए उत्तर कोरिया की ओर से जो बयान जारी किया गया, उससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ गए। अगर अमेरिका हमारे ऊपर एक तरफा दबाव बढ़ाएगा और हमें परमाणु हथियारों को खत्म करने पर मजबूर करता है तो हम बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले पाएंगे। ऐसी सूरत में DPRK US शिखर सम्मेलन पर फिर से विचार होगा। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच रिश्तों की नई शुरुआत होते ही उत्तर कोरिया का रुख काफी नरम नजर आ रहा था। किम अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन किम के अचानक बदले तेवर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। किम को साफ तौर पर लगता है कि तमाम जितने भी इनिशिएटिव्स हैं टॉक्स को उस तरफ ले जाना जिस तरफ दुनिया चाहती है, सारे एक तरफ आए, अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार की कोई डील नजर नहीं आ रही। अमेरिका को लेकर उत्तर कोरिया के रुख में आए बदलाव ने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है।
शायद यही वजह है कि उत्तर कोरिया की बातचीत रद्द करने की धमकी का जवाब देने के लिए ट्रंप खुद सामने आए। लेकिन उन्होंने जो किम को धमकी दी उससे बात और बिगड़ना तय है, क्योंकि ट्रंप ने साफ शब्दों में किम का हाल लीबिया के तानाशाह गद्दाफी जैसा करने की धमकी दी। सिंगापुर में होने वाले बैठक में अगर उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों को खत्म करने पर सहमत नहीं होता है तो उन्हें भी वैसे ही संकट का सामना करना पड़ेगा जैसा कि लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी को करना पड़ा था। अमेरिका की इस धमकी के सामने आने के बाद ट्रंप और किम के बीच होने वाली बातचीत खतरे में पड़ती नजर आ रही है। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि अमेरिका किम पर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसे बयान जारी कर रहा है। जबरदस्त प्रेशर डाल रहे डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा था किम, वो केवल एक ब्लफ था और उसको लगता है कि उसके पास इस माफी की काबिलियत नहीं है कि वो वास्तव में अमेरिका के मेनलैंड को हमला कर सकता है, ना ही उसकी मिनिएचराइजेशन सक्सेसफुल हुई है जिसकी वो बातचीत करता था। उत्तर कोरिया काफी समय से ये खतरा जता रहा है कि अगर उसने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को खत्म किया तो उसके साथ भी लीबिया के तानाशाह गद्दाफी जैसा ही सलूक हो सकता है। अब ट्रंप के बयान से किम का डर और बढ़ना तय है। अमेरिका का किम को गद्दाफी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी देना एक सोची समझी रणनीति है। अमेरिका इस तरह किम पर दबाव बढ़ाना चाह रहा है ताकि जून में होने वाली बातचीत के दौरान किम उसकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि अमेरिका की ये रणनीति अब उसके लिए मुश्किल बनती जा रही है क्योंकि किम ने ट्रंप की धमकियों के जवाब में बातचीत रद्द करने का अल्टीमेटम दे दिया है। किम को गद्दाफी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी, ट्रंप की धमकी पर किम ने फिर कड़े किए तेवर। Together we're going to restore safety to our streets and peace. किम और ट्रंप के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से बनते हुए नजर आ रहे थे, वो अचानक फिर बिगड़ने लगे। ट्रंप की किम को गद्दाफी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी ने दोनों के रिश्तों की दूरियां फिर बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने गद्दाफी को गद्दी से हटाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम ऑपरेशन लीबिया था, जिसके तहत अरब मुल्कों के कई तानाशाह हटाए गए। अब ट्रंप की धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका उत्तर कोरिया में भी ऑपरेशन लीबिया चला सकता है। अमेरिका ने 2003 में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी को परमाणु कार्यक्रम रोकने पर राजी किया, इसके बदले में उसने लीबिया पर लगी ज्यादातर पाबंदियां हटा दी। लेकिन 2011 में अमेरिका ने गद्दाफी के खिलाफ बगावत में उतरे लोगों का समर्थन कर दिया जिन्होंने बाद में गद्दाफी को सड़क पर पीट पीट कर मार डाला था। गद्दाफी की मौत के बाद ये माना गया कि अगर उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम की चाबी अमेरिका को ना सौंपी होती तो उनका ये हश्र ना होता। अब अमेरिका ने जिस तरह से किम को धमकी देना शुरू किया है उसके बाद किम भी बेहद संभल संभल कर कदम उठा रहे हैं। जबरदस्त भयानक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। ये अल्टीमेट ब्रिंकमैनशिप है, दोनों टेस्ट करने कोशिश कर रहे हैं कि कौन कब झुकेगा। अमेरिका की धमकी सामने आने के बाद किम को दो बड़े डर सता रहे हैं। किम को डर है कि अगर उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया तो दुश्मन उत्तर कोरिया में बगावत भड़का सकते हैं। इसके अलावा गद्दाफी की ही तरह उसका भी तख्ता पलट हो सकता है। किम बेवकूफ नहीं है, किम को साफ तौर पे सदाम का मॉडल, लीबिया के गद्दाफी का मॉडल नज़र आ रहा है। वो अपने हथियार किसी प्रकार नहीं सौंपेगा, जिसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी उसको।
परमाणु हथियारों की वजह से उत्तर कोरिया पर बरसों से तरह तरह की पाबंदी लगी हुई है, जिसका खामियाजा वहां की जनता ने भुगता है। अब अगर अमेरिका की शर्त मानते हुए किम परमाणु हथियार तबाह करने का फैसला लेते हैं तो उत्तर कोरिया की जनता भी इसका विरोध कर सकती है, क्योंकि उसने इसे हासिल करने के लिए बहुत कुछ गंवाया है। देखो, जनता को तो उसने दबा के रखा हुआ है, वहाँ बेरोजगारी है, 40% जनता के पास खाने का पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होते ही किम ने जिस तरह से अपने तेवर बदले हैं, उसकी वजह चीन को भी माना जा रहा है, क्योंकि चीन इस सैन्य अभ्यास का हमेशा विरोध करता है, इसलिए वो किम के बहाने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्तों में जब से तल्खी कम हुई है, किम के तेवर बेहद नरम हैं, लेकिन अमेरिका आए दिन किम पर दबाव बढ़ाने वाला बयान जारी कर रहा है। किम ने कुछ दिन पहले भी इशारों में ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका को आए दिन धमकी देना महंगा पड़ेगा, लेकिन अब किम ने जो तेवर कड़े किए हैं उसे देखकर ये माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन की साजिश है। किम ने 2018 की शुरुआत होते ही अपने तेवर बेहद नरम कर लिए थे। अमेरिका ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया को लेकर भी उनका रुख बेहद सुलझा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अमेरिका के भड़काऊ बयानों पर अचानक जिस तरह से किम ने अपने तेवर कड़े किए हैं उससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। शायद यही वजह है कि वो किम के बदले तेवर के पीछे चीन का हाथ होने की बात कह रहा है। 68 ईयर्स तक हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की शय, हर प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट, हर प्रकार का खाद्यान्न, हर प्रकार का ऑयल एंड गैस, जो जिसके बिना वो टिक नहीं सकता, ये सारी चीज़ें उसको चाइना देता रहे। सैंक्शंस के बावजूद भी चाइना चोरी छिपे देता रहे, और अगर वो चाइना की बात नहीं मानेगा तो किम के लिए मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, ना कि कम होंगी। चीन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का हमेशा से विरोध करता रहा है। अब तक वो ट्रंप की अपील पर किम को काबू कर रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया, चीन ने फिर किम को अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करने का इशारा कर दिया, ताकि अमेरिका के साथ सौदेबाजी की जा सके।